सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखें। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है, ध्यान रखें। आज का पंचांग 4 जून 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:21 से 7:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को देव स्नान पूर्णिमा और कबीर जयंती की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 4 जून 2023 दिन रविवार, बौद्धिक लक्ष्य इस समय आपको आकर्षित कर रहा है। आज आपको अपने स्कूल का याद सता सकता है। यात्रा करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। पिता जैसा कोई आपके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। आज आपके अनुशासित प्रयासों के लिए शानदार पुरस्कार मिलने वाला है। जो भी आपको प्राप्त होगा आप उसके हकदार हैं। आपका इनाम प्रसिद्धि, सार्वजनिक पहचान या प्रियजनों से मिलने वाली प्रशंसा कुछ भी हो सकता है। काम में दूसरों की राय भी अवश्य लें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी की शिकायत कभी नहीं करता। परिवार में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में आपकी हर संभव कोशिश रहेगी। आज किसी राजनीतिक संपर्क से भी आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। आप अपनी बुद्धिमता के बल पर कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि आपको खुद भी आश्चर्य होगा। परिवार के लोगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखें और फिर निर्णय लें। फिलहाल आप व्यक्तिगत जीवन सुधारने पर ध्यान दें। परिवार संबंधी समस्या का हल जल्द ही प्राप्त होगा। एक दूसरे के साथ की गई यात्रा के कारण विवाद दूर होंगे। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बनता हुआ नजर आएगा। शिक्षा संबंधित काम सफल हो सकते हैं। विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेने से पहले पार्टनर के साथ बातचीत जरूर करें। सावधानियां, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में विशेष जानकारी न दें, अन्यथा कोई आपको धोखा दे सकता है। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। विद्यार्थीगण पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने साथी से दूरियों को कम करने और जीवन को गुलाबी बनाने के लिए आपकी पहल की आवश्यकता है, तो आगे बढ़कर इन अपने सपनों को हकीकत में बदल लें। किसी दुर्घटना या हानि की भी संभावना है। आज के दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आज आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपको अपने लवर से तारीफ मिल सकती है या कुछ ऐसा जिसकी चाह आपको लंबे समय से थी। आपकी कोशिशों में आपके प्रियजन भी सहयोग करेंगे। अपने साथी से एक किस या टाइट हग भी आपका पुरस्कार हो सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आपके मालिक या अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान है, जिससे आपको प्रशंसा और इनाम मिलने की संभावना है। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो धन मिलने में देरी के कारण आपको लेन देन में नुकसान होगा। कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। जीवन में प्रयास के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज अब जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। दूसरों के विचारों और बातों को अच्छे से सुने, क्योंकि बातचीत अच्छे व्यवसाय की कुंजी है। याद रखें कि ये सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि इसे हम खुद तय करते हैं। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक काम की वजह से थकान हावी रहेगी।
उचित आराम लें तथा मौसम में चल रहे परिवर्तन से भी अपना बचाव रखें। पैर संबंधी तकलीफ हो सकती है, पैर दर्द को नजरअंदाज ना करें। आज का उपाय, आज आप घर के सभी सदस्यों के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।